आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को पता होगा कि हल्दी के कितने फ़ायदे होते हैं। आज मैं हल्दी के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लड्डू सर्दियों में स्पेशली बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है ये। अगर आपको सर्दी, जुकाम, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया या फिर डिप्रेशन, माइग्रेन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस लड्डू का डेली सेवन करेंगे तो आपको गारंटेड फ़ायदा नज़र ज़रूर आएगा। अगर नहीं है आपको कोई भी प्रॉब्लम तो भी आपको सभी बीमारियों से दूर रखेगा। हल्दी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सोडियम, विटामिन्स और फाइबर से भरपूर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, एंटीसेप्टिक तो होता ही है। साथ में मैंने इसे गुड़ के साथ बनाया है तो ये बहुत ही अच्छा पाचक भी है। के और भी बहुत से फायदे हैं जो मैं आपको रेसिपी में आगे बताती रहूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची हल्दी। सर्दियों में बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ये मैंने आधा किलो कच्ची हल्दी ली है। इसे अब हमें छील लेना है। जैसे हम अदरक को छीलते हैं बहुत ही आसानी से ये भी छिल जाता है। चाकू की हेल्प से मैं इसे छील लूँगी। देखिए इस तरीके से हम सारी हल्दी छील लेंगे। मैंने सारी हल्दी छील ली है और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये हल्दी इतनी प्योर है, देखिए मेरा हाथ भी पीला हो चुका है। हल्दी को मैंने छोटे टुकड़ों में इसलिए काटा है ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। अब सारी हल्दी प्रेशर कुकर में डाल के आधा कप पानी डाल के इसे 5 से 6 सीटी लगाएंगे। मैंने इसे 6 सीटी लगाई है, देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे मिक्सर जार में डाल के हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। बॉयल करने के बाद जो पानी बचा है वो भी हम इसमें डाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा और पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके का पेस्ट तैयार करना है। बहुत ही अच्छे से इसे पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लीजिए। घी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम सारा पेस्ट डाल देंगे। जो हल्दी का पेस्ट हमने तैयार किया था वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। जैसे जैसे हल्दी भुनेगी ये बैटर थिक होता जाएगा और हल्दी अपना कलर भी चेंज करेगी। आप इसे हाई फ्लेम पे भी भून सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते रहिएगा जिससे कि ये नीचे ना लगे, जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए पेस्ट थिक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच और घी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जैसे जैसे भुनता चला जाएगा वैसे ही ये कढ़ाई छोड़ देगा, ये अपना घी रिलीज़ कर देगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इसमें। देखिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये हल्दी जो है कढ़ाई छोड़ती जा रही है। हल्दी अच्छे से भुन चुकी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1/2 किलो गुड़। 1/2 किलो हल्दी थी और मैंने 1/2 किलो ही गुड़ लिया है। गुड़ को मेल्ट होने देंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। गुड़ में इस तरीके से बबल आने लगेंगे तो समझ लीजिए चाशनी तैयार है। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। जो हल्दी हमने भुन के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करिए, चलाते रहिए और दबा दबा के इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो इसे मिक्स करने में तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के हल्दी को मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लेम ऑन करके इसे पका लीजिए। देखिए हल्दी अच्छे से भुन चुकी है। इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें काजू बादाम और सूखे गोले का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें मखाने, अखरोट, किशमिश, किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिलीवरी के बाद जच्चा को भी खिलाया जाता है क्योंकि हल्दी ब्लड प्यूरीफाई करता है और लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसमें गोंद भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 काली मिर्च भी मैंने इसमें पीस के ऐड की है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गर्म दूध के साथ ये लड्डू बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप बच्चों को ये एक लड्डू रोज़ खिलाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में दिमाग भी तेज़ होगा।
देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, घी रिलीज़ कर दिया है इसने अपना। अब आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बैटर को ठंडा होने देंगे, हल्का गर्म होना चाहिए, फिर आप इसे हाथ में अच्छे से होल्ड कर सकेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसे मनचाहा शेप दे दीजिए, मनचाहे आकार के लड्डू तैयार कर लीजिए। बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाएंगे। अब सर्दियाँ स्टार्ट होती ही आप इसे बना के रख लीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अगर पूरी सर्दी आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, गर्म दूध के साथ खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। गाइस रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको आने वाली सारी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।